राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है सोमवार और इस टाइम पे 6:30 या 7:45 का ये टाइम है। तो सोमवार को मेरा फास्ट होता है, आप लोगों को पता ही है। तो सुबह में बस उठ करके नहा करके मैं जाती हूँ सीधा मंदिर में, और फिर वहाँ पर अपनी पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, घर पर आकर भी मैं दिया लगाती हूँ और जो आरती होती है वो कहती हूँ, कभी कभी कहानी भी कह लेती हूँ। अगर टाइम का मुझे ये होता है कि हाँ मैं लेट हो चुकी हूँ तो मैं आरती भी कह लेती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। तो बस अपना वही सब काम मैं कर रही थी, और बस फिर चाय पीने के बाद अपना जो बाकी काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो पूजा मेरी हो चुकी है और अब रख दी है मैंने चाय अपने लिए, और बस अब चाय पीऊँगी और उसके बाद जो रंगीला हरियाणा पे वीडियो जाएगी वो वीडियो अपलोड तो हो चुकी है, अपलोड तो मैंने कर दी थी, मतलब रात को ही मैं सब करके सोई थी उसका सारा काम। बस टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी काम हमें करना होता है वो करूँगी, यानी बस 1-2 मिनट का ही काम मुश्किल से है। और उसके बाद फिर अपना जो क्लीनिंग का काम है वो करेंगे और फिर देखेंगे क्या करेंगे। वैसे तो वीडियो एडिटिंग भी करनी है क्योंकि थोड़े बहुत कट ही मैंने लगाए थे, वॉइस ओवर तो पूरी रहती ही है, तो वो अपना वो काम करेंगे। तो चलिए आज मेरे साथ सुबह का जो रूटीन है वो एंजॉय करिए। और यहाँ पे देखिए हमारी जो चाय है वो उबल चुकी है, तो बताइए किस किस को पीनी है चाय? तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और जो मतलब वीडियो डालने का काम है वो कर देती हूँ आप लोगों के लिए, तो उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो बस चाय मेरी बन चुकी है और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ बाहर आंगन में। और सुबह की चाय अगर हम इस तरह से बाहर आंगन में बैठ करके पंखा लगा करके पीते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और चाय पीने के बाद, अपने वीडियो डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं 2-4-5 मिनट के लिए वैसे भी ज़रूर बैठती हूँ, और उसके बाद लग जाती हूँ मैं सीधा अपनी जो झाड़ू है वो निकालने के लिए। इससे पहले जो भी सामान होता है, सोफ़े के कवर इधर उधर पड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ी देर भी नहीं रहने देते, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही होता है या किसी और के घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी चीज़ को एक जगह पे नहीं रहने देते, चाहे कितना ही सेट करो तो थोड़ी देर बाद वही हाल मिलता है। मैं बोलती भी हूँ अगर एकदम से कोई बंदा आ जाए तो तुम तो बैठने लायक भी उसको नहीं छोड़ते हो, इतना बुरा हाल कर देते। सोफे के ऊपर भी कोई कभी कोई खेल गिरा दिया, खाली बोतल, पत्थर, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं। तो बस वो सारा सामान उठाने के बाद मैं यहाँ पर अपनी जो झाड़ू है वो लगा लूँगी और उसके बाद फिर जो पोछा लगाने का काम है वो करूँगी। यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है और उसके बाद लगी मैं पोछा लगाने के, और झाड़ू इसी कमरे से मेरे शुरू होते हैं। पोछे का ये होता है कि पहले मैं गैस, स्लेब, फ्रिज और जैसे मेज़ रखी हुई है इसके ऊपर लगाने के बाद फिर मैं अपने इस कमरे में लगाती हूँ, और उसके बाद फिर जो बाकी जो बाहर का बरामदा है उसमें लगाती हूँ। जो दूसरी साइड का उसमें नहीं लगता है क्योंकि उसमें फ़र्श थोड़ा सा ऐसा है कि उस पर हर रोज़ पोछा नहीं हम लगा सकते हैं इस वजह से। तो पोछे का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आंगन में ये होता है कि मगर मुझे कोई ज़्यादा ये लगता है कि हाँ गंदा हो चुका है तो मैं धो देती हूँ, वरना फिर मैं पोछे से भी कभी कभी काम चला लेती हूँ। और यहाँ पे आराध्या लेटी हुई है, खेत में गए थे ये अपने पापा के साथ तो आ चुके हैं दोनों, और आते ही फिर दोनों की लड़ाई हो गई। तो ये बेचारी, इसका कोई और बस तो चलता नहीं है, थोड़ी देर के लिए रूठ जाती है, तो बस ऐसे ही लेटी हुई थी कि हाँ फिर मम्मी मनाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा बदमाश ज़्यादा है, पिटाई कर देता है इसकी, और ये शरीफ ज़्यादा है। जब भी मुझे ये होता है कि हाँ इसको जैसे मार देता है, मैं उसको फिर मारने के लिए चलती हूँ तो मुझे बोल देती कि नहीं मम्मी मत मार, भाई है, कोई बात नहीं है, फिर वो रोने लग जाता है, चाहे इसकी ही पिटाई क्यों ना की हो, उसने 1 मिनट पहले ही, तो भी कहती कि मम्मी भाई को मना ले, भाई रो रहा है, मम्मी प्लीज़ एक बार उसको मना ले। तो होता है भाई, जो समझदार होता है उसी की मर होती है हर टाइम पे, वरना करने को तो कोई भी कुछ कर सकता है। और यहाँ पे मास्टर जी खेत में से आ चुके थे, मैंने बता दिया है, क्योंकि सुबह में जल्दी चले जाते हैं, मेरे उठने से पहले तो ये खेत में चले जाते हैं। और अब यहाँ पे जो मेरे प्लांट्स हैं उन पे ब्लैक ब्लैक से निशान, और एक ये जो गुड़हल का है उस पर वाइट वाइट सी, जैसे वो नहीं होता है पता नहीं, एक अजीब सा हो गया था इसके ऊपर, तो उसी वजह से मैंने जो दवाई है वो मंगवाई थी इनके लिए कि एक बार जो सारे प्लांट्स हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से छिड़काव कर दो ला करके, तो ये पूछ करके लेकर के आए थे। तो बस अब इनके ऊपर जो स्प्रे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वही हो जाता है भाई, देखो संभाल तो इनकी रखनी पड़ती है, और कई दिनों से मैं इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई, पानी भी बस वही है, बरसात हो जाती है दे देते हैं, अब आई कई दिनों में तो बिल्कुल सूखे सूखे से मुझे ये लग रहे थे क्योंकि उस बीच में बरसात भी नहीं हुई।
तो बस अब अपना वही मैं काम करवा रही थी, मैं भी पास में ही खड़ी थी कि हाँ इस प्लांट्स पे ऐसे, इस पे ऐसे, तुलसी पे ज़्यादा नहीं करना है, पाम ट्री पे ज़्यादा नहीं करना है, मनी प्लांट, क्योंकि ये दो तीन प्लांट्स ऐसे होते हैं ये बहाने ढूंढते रहते हैं सूखने के लिए, तो बस उसी वजह से। और अब इनमें मुझे जो खाद है, गोबर की जो खाद होती है वो भी डालनी है, क्योंकि ज़्यादा जब गर्मी होती है तो उसमें हम नहीं डाल सकते, सूख जाते हैं पौधे हमारे उससे भी। और जो कोकोपीट है वो भी मुझे मंगवाना है, तो वो दोनों चीज़ें मंगवाऊंगी और उनके मैं डालूंगी। तो बस बाकी सारे काम हो चुके हैं और अब मैं करूंगी दोनों बच्चों के सिर में मालिश। तो यहाँ पे जो तेल मैंने ले लिया, और ये जो तेल है वो परसों ही बनाया है, इन्होंने ही बनाया है, नारियल का जो तेल होता है उसमें जो आंवले के टुकड़े हैं वो डाल करके, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसी से कर देती हूँ। और वैसे मैंने इसके लिए मंगवाया है तेल, वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर भी करूँगी। तो उससे मालिश कर रही हूँ मैं आजकल उसकी, कि देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उन्होंने बोला था जब हमने कटिंग करवाई कि इसके बालों में तेल की कमी है, तेल की मालिश किया करो, मतलब दिन में धोने के बाद मत लगाया करो, रात को मालिश करके जैसे सुला दिया या जैसे अब मालिश कर दी और 2 घंटे के बाद मैं इसके बालों को धो दूँगी, क्योंकि अब तो ये बाहर तो जाएगी नहीं कहीं पर, बस घर पर ही रहेगी खेलेगी, तो फिर मैं अपना जो वीडियो एडिटिंग का काम करूँगी उस टाइम तक रहेगी, क्योंकि उसमें 1.5-2 घंटा लगेगा ही मुझे, और उसके बाद मैं इसको नहला दूँगी। और कभी कभी मैं इसकी जो रात में भी कर देती हूँ जब मुझे टाइम लगता है। तो बस अब यहाँ पर आराध्या के बालों में मैंने मालिश कर दी है, और अब करूँगी मैं जय को, और इसको मालिश का इतना चाव है, इतने अच्छे से करवाता है मालिश, बहुत ही अच्छे से। और आराध्या के बालों में कुछ हुआ है तो ये भी करवाएगा, अगर कई बार मैं वैसे भी इसको लेटा कर इसके बालों में वैसे हाथ मारने लग जाती हूँ तो खुद भी लेट जाते कि ना मम्मी इसको उठा दे और मुझे लेटा, मेरे बालों में ऐसे कर, ये कर। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई हमारे बालों में इस तरह से मालिश करता है, तो बस वही बात है, होता है मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इस चीज़ को कि हाँ कोई ऐसा भी हो जो मुझे मालिश कर सके। लेकिन मुझे ये है कि कोई बात नहीं, 1-2 साल की बात है, फिर आराध्या हो जाएगी तो वो कर देगी, कभी कभी मन करता है देखो हमारा भी करवाने का। वैसे तो मेरी माँ भी कर देती, मना नहीं करती, परंतु पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, अगर कोई इमरजेंसी हो जैसे सर्दियों में डैंड्रफ वगैरह हो जाता तो नींबू दही में लगवा लेती हूँ, वरना कम ही होता है। वैसे तो नहीं कि हम मालिश तो नहीं करवा सकते हर दूसरे तीसरे दिन उनसे। और बस अब जो जय के बाल हैं उनमें भी मालिश हो चुकी है, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए बनाई है कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि व्रत है तो सुबह में चाय पी थी। और वीडियो एडिटिंग से पहले मुझे होता है कि हाँ मैं कुछ खाने पीने का लेकर के बैठती हूँ, क्योंकि कट लगाने में मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी बनाई है और आप लोग भी पी लीजिए जिसको भी पसंद है। तो बस अपना जो क्लीनिंग का काम था वो, और एक दो छुटमुट काम थे वो निपटाने के बाद बैठ गई थी मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए, और आज काफ़ी सारा टाइम लगा। वैसे तो कट मैंने लगाए थे रात में भी, लेकिन बहुत लंबी वीडियो थी, बहुत लंबी थी, 1.25 घंटे के आसपास की वीडियो थी, तो उसमें इतने कट लगाने और फिर वॉइस ओवर करनी, तो काफ़ी सारा टाइम मुझे लग गया। और बस उस बीच में मैंने जो बच्चे हैं वो नहला दिए हैं, और फिर जो वीडियो है वो अपलोड की है आप लोगों के लिए, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, देख लेना और बताना मुझे कि कैसी लगी, वैसे तो उस टाइम तक आप बता दोगे। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे पंजीरी, तो ये देखिए मैंने लिए हैं 1 कटोरी जो मखाने हैं वो, और काजू बादाम, 3 चीज़ें मैंने ये ली हैं, और घी की ज़रूरत पड़ेगी, घी ले लिया है, और ले लिया मैंने आटा और खांड जो देसी खांड होती है, और इसमें आप चीनी भी पीस करके डाल सकते हैं, क्योंकि मैं भी चीनी पीस करके ही डालने वाली थी, मुझे याद नहीं रहता कि खांड रखी हुई है, फिर मुझे एकदम से याद आ गई कि नहीं खांड रखी हुई है तो वही डालते, अच्छी होती है ये भी। बच्चों के दूध में डालने के लिए लेकर के आते हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं रहता, मेरी माँ करती है दूध गर्म तो वो मतलब जल्दबाजी में चीनी डाल देती है हर रोज, दोनों टाइम का ही ऐसा होता है। तो बस इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आटा, खांड, और खांड की जगह आप शक्कर भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि भी खांड ही डालनी है, नहीं, और जो भी आपके पास हो, बस कहने का मतलब मेरा ये है। और चीनी भी पीस करके डाल सकते हैं, घी की ज़रूरत पड़ेगी, और ड्राई फ्रूट में आप ये 3 चीज़ ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा जो गोला है वो भी कस करके डालूंगी, और इसमें आप जो खसखस होती है वो भी डाल सकते हैं, खसखस मेरे पास है लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। और जो गोंद होता है, मतलब जब डिलीवरी होती है, यानी बच्चा होता है जो जच्चा हम जिसे बोलते हैं,
और उसके लिए हम गोंद डालते हैं, पता ही होगा आपको गोंद डाला जाता है, तो वो गोंद भी आप थोड़ा सा पंजीरी में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो भी, लेकिन वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो सर्दियों में अगर हम बनाएं तो बेस्ट है, तो अब इस टाइम पे मैं नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए पंजीरी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब अपनी पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। गैस जला ली है, कढ़ाई रख दी है, और मैंने ये नॉन स्टिक की जो मोटे तले की कढ़ाई होती है वो ली है, क्योंकि इसमें चीज़ें नहीं लगती हैं, बहुत अच्छे से बनती हैं, चाहे हम बिल्कुल सूखी सब्जी बनाते हैं या जैसे कुछ भी ऐसा करने का काम होता है, जैसे मैं आटा भूनूंगी इसके अंदर तो थोड़ा सा भी लगने का डर नहीं होता है, तो उस वजह से। और उस टाइम पे मैंने ली तो स्पेशल बोल करके ली थी कि भैया अच्छी दे देना, पैसे थोड़े से चाहे ज़्यादा ले लेना, क्योंकि कई बार नकल भी आ जाते हैं इन चीज़ों की। वो भी बता रहे थे कि देखो इसके ये ऐसी चीज़ लगा लगा के कि असली नॉन स्टिक नहीं है, ये असली नॉन स्टिक है, और एक वो वैसे भी आती हैं उसके ऊपर पॉलिश ही हुई होती है, वो नॉन स्टिक नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन बोलते उसको भी नॉन स्टिक ही है, और उसमें तो चीज़ें बहुत जल्दी लगती हैं, जैसे हम सूखी सब्जी बनाते हैं या कुछ और भी ऐसा, तो वो तो इस वजह से सारी ज़्यादातर जो चीज़ें मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। और सोच रही हूँ कि मैं स्टील की भी एक अच्छी जो मोटी तली की कढ़ाई है वो लेकर के आऊँ, वैसे तो मेरे पास रखी हुई है शादी की भी, बिल्कुल नाप की, ना छोटी है ना बड़ी है जो सिल्वर की कढ़ाई है वो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ना निकालूँ उसको, ना निकालूँ, क्योंकि सिल्वर की चीज़ों में जब हम चीज़ बनाते ही नहीं है, कम बनाते, तो फिर उसका क्या फ़ायदा निकाल करके। इस वजह से तो घी मेरा गर्म हो चुका था, घी डाल दिया था, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर मखाने, और मखानों को हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे, तब तक कि जो इसका मॉइस्चर है वो नहीं निकल जाता, क्योंकि बहुत सॉफ्ट से होते हैं, और फ्राई करने के बाद ये अच्छी तरह से हो जाएंगे, इनका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। और तब तक मैं साथ में अपने जो गोला है वो भी किस रही थी कि जब तक मेरी ये जो ड्राई फ्रूट है वो मैं तलूंगी, उस टाइम तक मैं अपना जो गोला जितना भी मेरे से कसा जाएगा मैं अपना वो भी कस लूंगी। तो बस यहाँ पे मखाने हो चुके हैं और अब उनको निकाल लूँगी, और उसके बाद जो बादाम और काजू हैं वो भी तलूंगी, और सारे जो ड्राई फ्रूट होते हैं जो भी हम डालते हैं इसके अंदर, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा है तो वो आप मतलब अलग अलग ही तलें, क्योंकि सारी चीज़ें अपना एक अलग अलग टाइम लेती है, कोई जल्दी हो जाती है, किसी में टाइम लग जाता है, तो जैसे अब बादाम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो काजू हैं वो जल्दी हो जाते हैं, तो बस अब बादाम डाल दिए हैं, और बादाम को भी मैं अच्छी तरह से मतलब जब इनका जो कलर है, देखिए यहाँ पे कलर इनका डार्क सा हो चुका है, और अब मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं अपने जो बादाम हैं वो भी, और बस उसके बाद जो काजू हैं वो भी मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। और फ्राई हम इसलिए कर रहे हैं, वैसे तो देखो अब काजू है, बादाम है, अखरोट होते हैं, इनको हम वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन इनमें जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है ऐसे फ्राई करने से, और उससे क्या होगा हमारी जो पंजीरी है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, अगर चीज़ में मॉइस्चर नहीं होगा तो वो चीज़ हमारी ख़राब नहीं होती है जल्दी से, तो इस वजह से। और बस यहाँ पे हमारे जो काजू हैं वो भी हो चुके हैं, और गोला मैंने कस लिया है जितना मेरे से कस आ गया, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा सा होता है भाई, देखो कसने में मुझे आलस बहुत ज़्यादा आता है, चाहे कोई भी चीज़ हो फिर वो। और यहाँ पे देखिए सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, और अब मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें अभी बाकी था, घी आप बाद में भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, और घी का कुछ नहीं है, अगर आप कम डालना चाहते हैं कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अब यहाँ पे जो आटा मैंने लिया है अपना, वो आटा भी मैं सारा इस कढ़ाई में डाल लूँगी, और जो आटा है उसको हमें मीडियम आँच पे भूनेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लो हमने कर दी तो क्या होगा कि आटे में मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था, तो इतना टाइम देखो नहीं खड़ा हुआ जाता और हो भी नहीं सकते, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम हाई पे करेंगे तो फिर वो नीचे से लगना शुरू हो जाएगा, और इस वजह से मीडियम फ्लेम पे आप आटे को भूनें। और थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और मैंने डाल दिया है, और बस अब इसको दबा दबा के अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे आटे को, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, जिससे कि कहीं ये ना हो कि हम आटा वैसे भून जाए और कहीं कहीं से कच्चा रह जाए, तो अच्छी तरह से बिल्कुल मतलब प्रॉपर तरीके से हम इसको चलाते हुए भून लेंगे, और हर टाइम इसको मतलब लगातार चलाते रहना, ये नहीं कि हम अपना हाथ रोक करके वैसे खड़े हो जाएंगे गैस के पास, क्योंकि इससे क्या होगा जो कढ़ाई के नीचे मतलब जो लेयर है सबसे नीचे जो लेयर है वो हमारी ज़्यादा डार्क होनी शुरू हो जाएगी, और फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए जितने टाइम तक भी आटा आपका गैस के ऊपर रखा है उस टाइम तक आप उसको चलाते ही रहें, चलाते ही रहें।
तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा लगभग भून चुका है, कलर चेंज हो चुका है, अच्छी तरह से तो दिखाई भी नहीं दे रहा जैसे इसका कलर आया है, क्योंकि थोड़ी सी लाइट की कमी है, लगवानी है मुझे यहाँ पे लाइट। और वहाँ पे जो ड्राई फ्रूट है वो ठंडे हो चुके थे तो वो मैंने जार में डाल लिए हैं, बस अब उन्हें मैं दरदरा सा पीस लूँगी। तो आटा हमारा हो चुका है, वो मैंने नीचे उतार कर पंखे के नीचे रख दिया है, तब तक थोड़ा सा मतलब कि ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट है वो भी मैंने पीस लिए हैं, और सारा सामान मैंने यहाँ पर पंखे के नीचे रख लिया है। और उसी बीच मैंने जो डिब्बा है वो धो करके रख दिया था, जिसमें मुझे पंजीरी डाल करके रखनी है। तो अब यहाँ पे मतलब आटा ना गर्म है ना ठंडा है, तो उसमें मैं अब जो खांड मैंने ली है वो मैं मिला दूंगी। और अच्छी तरह से खांड को मिलाने के बाद जो भी ड्राई फ्रूट हमने पीस के रखे हुए हैं, गोला कस करके रखा, वो सब सारी चीज़ें हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और मैं ले लेती हूँ यहाँ पर जल्दी से नाम। एक कमेंट आया था मेरे पास मोनी यादव की आईडी से कि 19 अगस्त को उनका बर्थडे है, मोनिका यादव उनका नाम है, तो हैप्पी बर्थडे मोनिका बहन। सुहाना मित्रवाल की आईडी से कमेंट आया था 19 अगस्त को, तो उनकी बेटी का बर्थडे है सुहाना का, तो हैप्पी बर्थडे सुहाना बेटा। और एक रजत सरोहीवाल की आईडी से कमेंट आया था कि 18 तारीख को उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रजत। और क्यूटीपी की आईडी से कमेंट आया था कि 18 अगस्त को बर्थडे है, अभी पता नहीं उनकी बेटी का बर्थडे है शायद वंशिका का, मैं लिखना भूल गई। तो हैप्पी बर्थडे वंशिका बेटा, भगवान आप सभी लोगों को जिनके भी मैंने नाम लिए उनको हेल्थ वेल्थ दोनों दे, ज़िंदगी में सारी खुशियाँ दे, और सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि ये जो वीडियो है वो कल जानी थी मंगलवार में, लेकिन आज जाएगी बुधवार में, किसी कारण से बस मैं नहीं डाल पाई ये वीडियो, तो इस वजह से मुझे ये नाम इस तरह से लेने पड़े। और यहाँ पे देखिए सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, और बस पंजीरी हमारी बन करके तैयार। और यहाँ पर मैं आप लोगों को खिला रही थी कि आप लोग भी पंजीरी खा लीजिए। और एक बार तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे सूखी सूखी सी जो चीज़ें हैं वो पसंद नहीं है, थोड़ा सा घी मुझे ज़्यादा चाहिए होता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वैसे डाल करके रख देती हूँ, अगर ये लगेगा किसी को भी हाँ घी की ज़रूरत है तो वैसे डाल करके खा लेगा मिला करके। तो बस अब ये जो डिब्बा है वो मैंने धो करके रख दिया था, सूख चुका है, और इसको पोंछ करके जो पंजीरी है वो मैं इस डिब्बे में डाल करके रख दूंगी। और ये जो डिब्बे हैं वो मेरे बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनका जो मुंह है वो भी चौड़ा है, जैसे पंजीरी अगर रख दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, ज़्यादातर चीज़ें मैं इन्हीं में रखती हूँ। और ये 5 का सेट लिया था मैंने, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, 150 से 160 रुपये में मुझे 5 डिब्बे ये आए थे, और बहुत ही अच्छे हैं ये, मतलब जो लचक सी है इनमें, ये वो नहीं है कि मतलब जल्दी से टूट जाएंगे ख़राब हो जाएंगे। और एक इनमें से जया ने खो दिया था, एक दिन इसकी दादी ने रोटी डाल करके दे दी थी तो स्कूल में ही छोड़ करके आ गया, तो बस यहाँ पे पंजीरी डाल दी है। और अब जो सारी चीज़ें हैं वो उठा करके रख दूंगी। और उसके बाद ये अमरूद लेकर के आए थे, मैंने सोचा कि चलो इनको मैं निकाल करके धो करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को ये नहीं पता है कि भाई उठा करके धो करके खाने हैं, कर देते हैं, देखो बच्चे ऐसी बातें, ये नहीं होता। तो बस मैं इनको धो करके रख दूंगी, बस फिर जिसका मन करेगा उठा करके खा लेंगे। तो काम मेरा सारा हो चुका है इस टाइम, हाल फिलहाल जो भी काम होता है सब कुछ मैंने अपना निपटा दिया है, क्योंकि झाड़ू निकालनी पड़ी, आटा आटा हो गया था सभी जगह ही, वहाँ पे मैंने बैठ करके मिलाया वहाँ भी और गैस पर भी, उस वजह से फिर दोबारा झाड़ू निकालनी पड़ी, जहाँ पे ज़रूरत थी स्लैब पे, गैस पे, और जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे मैंने पोचा लगाया, क्योंकि मीठा था तो मक्खियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, और वैसे भी आती है मक्खियाँ तो कितना ही कुछ करो। और जो बर्तन थे वो भी मैंने सारे साफ़ करके रख दिए हैं। तो अब फुर्सत हुई थी तसल्ली से, थोड़ी सी वीडियो देखी है, आप लोगों के कमेंट देखे हैं कि किस किस ने कमेंट कर लिए, और वीडियो उसी टाइम पे चली गई थी, क्योंकि अब वीडियो जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। पहले क्या होता था कि विलेज लाइफ की वीडियो जाने में 25-30 आध पौन घंटा आराम से लगता था इतना, और घंटा भी लग जाता था कभी कभी तो। लेकिन अब तो मैं बताऊँ, मैं ना टाइटल, कई बार ये होता है कि मैं टाइटल नहीं वो कर पाती, क्योंकि मैं सोच समझ के ये नहीं बोलती कि मुझे ये टाइटल डालना होता, बस मैं वैसे कोई लाइन देख लेती हूँ पूरी वीडियो में से और वही मैं डाल देती हूँ। तो कई बार मैं टाइटल भी नहीं लिख पाती, मुझे ये होता है कि चलो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, उस टाइम तक अपलोड हो जाएगी, बाद में मैं टाइटल और टाइटल भी नहीं ढूंढ पाती हूँ मैं, तब तक वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी होती है, तो मुझे प्राइवेट करनी पड़ती है उस टाइम तक, फिर मैं सारी चीज़ें लिखती हूँ और उसके बाद फिर मैं पब्लिक करती हूँ उस वीडियो को। तो वो सारा काम मैंने अपना निपटा दिया था, कुछ काम मास्टर जी भी कर देते हैं वीडियो का, ऐसी बात नहीं है, थंबनेल लगाने हैं, मोनेटाइज का जो भी काम होता है वो सारा ये कर देते हैं, मैं बस टाइटल लिख देती हूँ, डिस्क्रिप्शन और जो भी कुछ मुझे लिखना होता है वो सब। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और वही है कमेंट के रिप्लाई
वीडियो देख रहा। तो अब मैं ले लेती हूँ दो नाम, मेरे पास कमेंट आते हैं। प्रियंका रोहतक से बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है मेरी। और 18 अगस्त को अंशिका का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंशिका बेटा, भगवान आपको खुश रखे और दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। अपने मम्मी पापा का आप नाम रोशन करो, अच्छे अच्छे काम करो और जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा प्यार, हमारी दुआएं हर टाइम आपके साथ हैं। और एक है पूजा यादव, तो उनका बर्थडे है 18 अगस्त को ही, तो हैप्पी बर्थडे पूजा, भगवान आपको भी खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे, जन्मदिन की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।